मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग आज भी जब कहीं सुनाई देता है तो जहन में मशहूर विलन अमरीश पुरी की तस्वीर बनने लगती है। फिल्म में इनकी दमदार आवाज और गुस्से से बाहर निकली हुई इनकी डरावनी आंखें खलनायक के किरदार में फिट बैठती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस खूंखार खलनायक का भी दिल प्यार के मामले में पिघल ही गया था। इन्होंने भी अपनी असल जिंदगी में एक खूबसूरत हसीना को दिल दिया था। उनसे इन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की, पर उसने क्या किया, इनका दिल तोड़कर चली गई और इनकी प्रेम कहानी को हमेशा के लिए ब्रेकअप स्टोरी बनाकर रख दिया। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी उसी लव स्टोरी और ब्रेकअप स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इनकी उस लव स्टोरी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इनके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के महान खलनायक अमरीश पुरी ने भी अपनी जिंदगी में एक मशहूर अदाकारा से दिल लगाया था, पर उनके साथ इनकी लव स्टोरी मुकम्मल ना हो सकी और हमेशा के लिए ब्रेकअप स्टोरी बनकर रह गई। बता दें कि इन्होंने जिस मशहूर अदाकारा से दिल लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि 80 के दशक की मशहूर अदाकारा राखी गुलजार है। जी हाँ, वही है जिनसे इनकी प्रेम कहानी शुरू तो हुई पर पूरी ना हुई थी, और इस बारे में शायद ही कम लोग जानते होंगे। दरअसल बात है साल 1979 की, जब ये दोनों हमारे तुम्हारे फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म में जहां राखी लीड एक्ट्रेस का किरदार निभा रही थी, तो वहीं इस फिल्म में अमरीश पुरी विलन का किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म में साथ में काम करते करते ही दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे रहने लगे, दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। वहीं धीरे धीरे अमरीश पुरी के दिल में राखी के लिए प्यार के फूल खिलने लगे, ये जानते हुए भी कि राखी गुलजार से शादी कर चुकी हैं। फिर भी ये दिल ही दिल में राखी को चाहने लगे और एक दिन इन्होंने अपने दिल की बात राखी से जाकर कह दी थी, क्योंकि इन्हें भी लगने लगा था कि राखी इन्हें पसंद करती है। पर इनकी ये बात सुनकर राखी काफी शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो इन्हें अपना केवल अच्छा दोस्त मानती थी और शादीशुदा होने के बावजूद इन्होंने ऐसी बात उनसे कही तो वो हैरानी के साथ साथ काफी गुस्से में भी आ गईं और इनका प्रपोजल ठुकरा कर चली गईं। इस तरह से वो इनके प्रपोजल को ठुकरा कर इनका दिल तोड़कर चली गईं। इनकी एक तरफा प्रेम कहानी अधूरी रह गई और ब्रेकअप स्टोरी बन गई। लेकिन इन्होंने अपनी इस प्रेम कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया, पर कुछ करीबी दोस्तों से जरूर जाहिर किया, और वो जानते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि उनकी और इनकी इमेज पर कोई दाग लगे, इसलिए इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राखी से दिल तोड़वाने के बाद ये ज्यादा समय तक अकेले नहीं रहे। इन्होंने अपनी दोस्त उर्मिला दिवेकर से शादी कर ली थी, जिन्हें ये तब से जानते थे जब ये अपने स्ट्रगलिंग के दौरान मिनिस्ट्री लेबर में काम करते थे। वहीं पर उनसे इनकी मुलाकात हुई और ये उनके काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वहीं जब राखी ने इनका दिल तोड़ा तो उसी दोस्त ने इनके टूटे हुए दिल को जोड़ा था। उनके दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर इन्होंने उनसे शादी करने का मन बना लिया और आखिरकार इन्होंने उनसे शादी कर ली और आगे चलकर दो बच्चों के माता पिता बने। पर ये हमेशा अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सके। 72 साल की उम्र में 12 जनवरी साल 2005 को ब्लड कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, आपको महान खलनायक अमरीश पुरी की ये लव स्टोरी और ब्रेकअप स्टोरी के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।